नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपको बता चुके हैं कि हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल सीरीज चलाएं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, यानी कि विभिन्न विषयों पर हमने विभिन्न सीरीज़ आप सभी के लिए शुरू की ही भी हुई हैं। और अगर हम कंप्यूटर साइंसेस की बात करें तो इस क्षेत्र में हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस नामक सीरीज़ आपके लिए कुछ दिनों से चलाई हुई है। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम निरंतर कुछ सेशंस आपके लिए आयोजित करते आए हैं और इन सेशंस के माध्यम से हमने आज तक बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पढ़ा। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले सेशन में हमने खास तौर पर बात करी थी कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में। हमने बात की किस तरीके से कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से कंप्यूटर हम सभी के लिए उपयोगी है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अपने किस प्रकार से योगदान दे रहा है, इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यूएस पांडे। डॉक्टर पांडे, आपको बताना चाहूँगी कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये ओपन लर्निंग के कंप्यूटर साइंसेस विभाग में कार्यरत हैं और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अहम कॉलेज है। और सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि हम इनका स्वागत करें और कंप्यूटर की उपयोगिता खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में इनके माध्यम से जानने की कोशिश करें। तो डॉक्टर यूएस पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पहले पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार से कई किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज आपको हम शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर किस तरीके से बहुत उपयोगी सिद्ध होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जान सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में लगभग कई प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर की पढ़ाई खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है, साथ ही साथ कंप्यूटर के द्वारा ही कई और क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी की जा सकती है। इसके द्वारा नॉलेज को दूर दूर तक भेजा भी जा सकता है, कहीं और की गई हुई पढ़ाई को भी हम अपने रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में कंप्यूटर का बहुतायत और बहुत उपयोगी इस्तेमाल है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में ला सकते हैं। छात्रों को बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के बारे में, डेटाबेस तैयार करने के लिए कंप्यूटर का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के द्वारा ही विभिन्न भाषाओं में चीज़ों को लिख सकते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स इस्तेमाल करके, और अब चीज़ों को अच्छी तरीके से उन्हीं की भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की जो शिक्षा प्रणाली है, पूरा एजुकेशन सिस्टम, इसमें कई प्रकार से कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ई असेसमेंट, आपने देखा है आजकल कंप्यूटर के अंदर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसका अगर इवेल्युएशन करना है, असेसमेंट करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही की जा सकती है, जिसको हम ई असेसमेंट का नाम देते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आपकी परीक्षा ऑनलाइन भी ली जा सकती है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर की जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस, आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सब ऑनलाइन के द्वारा संबंधित हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर पर प्रश्न आते जा रहे हैं, आपने उनका उत्तर दिया और अगर चाहेंगे तुरंत कुछ ही सेकेंड में आपको अपने रिजल्ट की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ई असेसमेंट का एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ई असेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आपके सारे इवेल्यूशन सिस्टम को बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको शायद पता होगा, देश के बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम, चाहे वो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया एम्स का एग्ज़ाम हो, CPMT के एग्ज़ाम्स हो, कोई ऐसे और बहुत मेडिकल एग्ज़ाम्स हो,
और कैट का एग्ज़ाम है, आपने देखा बहुत प्रकार के मैनेजमेंट के सारे एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया को आजकल ऑनलाइन के द्वारा किया जा सकता है, वह एक प्रयोग है। इसके अलावा असेसमेंट के बहुत सारे और तरीके हैं जो ई असेसमेंट के द्वारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस करके या किसी प्रकार का पूरा डेटाबेस बना करके इस तरीके का असेसमेंट किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी सुविधा इसमें है कि लाखों बच्चों के एग्जामिनेशंस आप आसानी से कंप्यूटर के द्वारा ले सकते हैं। इसमें फुल सिक्योर्ड सिस्टम रहता है जिसमें आप बायोमेट्रिक द्वारा आप बच्चे की जांच भी कर लेते हैं कि जिस बच्चे का एग्ज़ामिनेशन होना है वही बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। ऐसे और भी तरीके हैं यह चेक करने के लिए कि जिस बच्चे को परीक्षा में शामिल होना है वही बच्चा अपनी परीक्षा दे रहा है। इस तरीके की असेसमेंट को हम ई असेसमेंट के नाम से जानते हैं और कंप्यूटर के द्वारा यह बहुत ही सुचारू रूप से शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप चाहें दूर दराज बैठे हुए लोगों को सतत परीक्षा, जो आपकी कंटिन्यूस इवेल्युएशन प्रोसेस चल रहा है उसमें भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं। किसी और तरीके के इवेल्युएशन की टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए आप ई असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपने सुना होगा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा शिक्षक छात्र दोनों मिलकर इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने लेक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को लोड कर सकते हैं, अपने डिफरेंट प्रकार के ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक पर पूरा का पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट प्रकार की क्रिटिक को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस LMS के द्वारा आप अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की सूचनाओं को आप भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत हुई तो उसमें कुछ संशोधन की बातें हैं वो भी उसमें प्रयोग में ला सकते हैं तथा किसी भी क्लिष्ट प्रश्न, जो भी आपको कठिन से कठिन प्रश्न नज़र आते हैं उनके उत्तर भी आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो LMS सिस्टम के द्वारा इसके बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिस जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपको किसी टॉपिक पर लेक्चर प्रिपेयर करना है, उस लेक्चर को आप विभिन्न प्रकार से, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कंटेंट्स के बारे में कुछ और वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, कुछ और वैधता की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की जानकारी भी इस LMS के द्वारा आप और तरीके से समझ सकते हैं। छात्रों के लिए यह बहुत सुविधाजनक इसलिए भी है, आप 24 आवर इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जो आपके जो भी उसके एक्सपर्ट्स होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ उस पर अगर ज़रूरत है तो एक ग्रुप डिस्कशन कर करके आप अच्छे छात्रों का अच्छे तरीके से उनके विचारों को जान कर सकते हैं, उनके विचारों को संकलित कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ LMS के द्वारा संभव, ऐसे बहुत सारे LMS इस समय अवेलेबल हैं। आप कई ऐसे LMS हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली ओपन सोर्स के रूप में अवेलेबल हैं, उनका भी आप इस्तेमाल सभी शिक्षक छात्र और विभिन्न संस्थाएं कर सकती हैं। और इनका उपयोग इतना ही नहीं, सिर्फ शिक्षा को विस्तार देने के साथ साथ और भी तरीके हैं इनको चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। आप असाइनमेंट की प्रक्रिया को कैसे लेंगे, इवेल्युएशन से संबंधित भी कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। इसके द्वारा आप आसानी से लेक्चर्स के थ्रू बच्चों से जुड़ सकते हैं, विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, जो इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी फायदेमंद है। यह बहुत बड़ा सिस्टम है, इसको अगर आप चाहें तो शिक्षक छात्र मिल करके जिस किसी एक LMS को चूज़ करें और उससे संबंधित जानकारी लेकर के उस पर अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा की पढ़ाई और उससे संबंधित और योगदान ले सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ई लर्निंग। ई लर्निंग, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, ई लर्निंग मतलब कंप्यूटर के द्वारा आपकी लर्निंग।
उदाहरण के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ लेक्चर्स की जानकारी है चाहिए तो आप इंटरनेट पर जाइए, या इंटरनेट के थ्रू कुछ और सूचनाओं से लेकर के आप पूरे के पूरे लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप लेक्चर्स को जान सकते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अगर लर्निंग का कोई भी स्टेप लिया जाएगा तो वह ई लर्निंग कहलाएगा। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे आप हमारे इस लेक्चर को आप पूरे विश्व में कहीं भी चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस समय आप कहीं पर टीवी देख रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, या किसी कारणवश आप इसको अभी नहीं देख पा रहे हैं तो YouTube पर भी इसकी जानकारी अवेलेबल रहती है। ऐसे बहुतायत लेक्चर जो कई और एक्सपर्ट्स के लेक्चर होंगे उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। मित्रों, ई लर्निंग के बहुत ही फायदे हैं। अमूमन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी एक्सपर्टाइजेशन की आपको आवश्यकता है, ई लर्निंग के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू किसी और तरीके के विश्व के किसी भी कोने में अच्छी से अच्छी संस्थाओं में रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों का सीधे आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी अवेलेबल हैं। तो ई लर्निंग के जरिए आप शिक्षा का एक बहुतायत विस्तार कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में ई लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जैसा जानते हैं, शिक्षा के दूरस्थ प्रणाली में, ओपन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ई लर्निंग का हो रहा है। आपको लेक्चर्स डायरेक्ट कुछ वेबसाइट के फॉर्म में दिए जाते हैं, कुछ टैबलेट्स पर दिए जाते हैं, कुछ आपको माइक्रोचिप पर कुछ लेक्चर्स की सूचनाएं दे दी गई। इतना ही नहीं, आजकल आपको ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। उन बुक्स की सहायता से आप जब चाहें, जैसी भी सुविधा हो, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें आपको ई लर्निंग के थ्रू आती शिक्षा का जैसा विस्तार हो रहा है और जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली विकसित हो रही है, ई लर्निंग के बिना शिक्षा के क्षेत्र में जाना एक अधूरापन कहा जाएगा। विशेषतः आप किसी भी विशेषज्ञ के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको यह जानकारी हासिल करनी होगी कि विश्व के दूसरी जगहों पर कैसी कैसी शिक्षाएँ दी जा रही हैं, किस प्रकार से पढ़ाई का क्या कार्यक्रम है, और किस तरीके से कंटेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। उन सभी की जानकारी हासिल करना यह ई लर्निंग के थ्रू ही संभव। दूसरा, अगर आप अपनी अच्छी से अच्छी शिक्षा गाँव तक पहुंचाना चाहते हैं, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे में ई लर्निंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा आसानी से आप अपने विचारों का आदान प्रदान, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों, चाहे आप बॉम्बे में हो, चाहे आप चेन्नई में हो, चाहे देश के किसी और कोने में हो, वहाँ से बहुत आसानी से शिक्षा का आदान प्रदान हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई विशेषज्ञ किसी रिमोट एरिया में बैठा है, उनके बारे में जानकारी, उनके लेक्चर्स को सुनना है, तो आप वहाँ से ही सीधे उस लेक्चर का प्रसारण हो सकता है और वह जानकारी देश के कोने कोने में सभी संस्थाओं तक, छात्रों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, अगर आवश्यकता है तो उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके किसी भी संस्था की वेबसाइट पर, या जैसे ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या कई अन्य संस्थाओं की वेबसाइट के थ्रू आसानी से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो ई लर्निंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपकी शिक्षा के क्षेत्र में। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो आज कल बिना ई लर्निंग के शिक्षा का क्षेत्र अधूरा है, बिना इसकी जानकारी के शिक्षा का आसार प्रसार मुश्किल है और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल है। क्योंकि ई लर्निंग के माध्यम से ही आप शिक्षा को अनेक प्रकार से, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो, किसी फिल्म के फॉर्म में हो, आप लोगों तक ई लर्निंग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं और जानकारी को हासिल कर सकते हैं। मित्रों, ई लर्निंग के साथ साथ एम लर्निंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस समय है। आपको जानकारी है, आजकल लगभग सभी के पास मोबाइल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है।
मोबाइल के थ्रू लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है। सिर्फ शिक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार के और सेक्टर्स मोबाइल की सहायता से लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली लगभग सभी कंपनियां अपने एक एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर निकालती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको रेलवे का रिजर्वेशन कराना है तो आप अपनी मोबाइल के थ्रू बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। आपके मोबाइल पर एक रेलवे की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको इस्तेमाल करके आप मोबाइल के थ्रू रेलवे के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों के एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। उसके अलावा एम लर्निंग से संबंधित कई ऐसी वेबसाइट हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स आपके मोबाइल पर, हजारों किताबें अवेलेबल हो सकती हैं और जब आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा ही नहीं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मोबाइल पर आपको पढ़ने से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आप मोबाइल का उपयोग करके वह सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज मोबाइल के जरिए आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हजारों बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जर्नल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रकाशित जो शोध पत्र है उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि मोबाइल का एप्लीकेशन और एप्लीकेशनों से बहुत ही आसान है, किसी भी जगह पर इजीली कनेक्टेड है। तो मोबाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान एजुकेशन के क्षेत्र में है और इस सभी क्षेत्र को मोबाइल लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई असेसमेंट के बारे में आपको जानकारी दी। आइए कुछ और जानकारी हासिल करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ही इसका आसार प्रसार होता है। ई असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ई असेसमेंट आप बहुत आसानी से कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। और ई असेसमेंट की जो सबसे बड़ी फायदे हैं कि आपके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं, सब डेटाबेस के फॉर्म में सारी चीज़ें कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। किस समय किस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, कितने प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए, कितनों का सही उत्तर दिया, और सबसे बड़ी चीज़ जो पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। जो आम धारणा होती है कि अगर शिक्षक किसी और स्थिति में कॉपी को जांच रहा है, कंप्यूटर के द्वारा सारी की सारी असेसमेंट आपको आसानी से की जा सकती है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ई असेसमेंट के द्वारा आप अपने रिजल्ट्स का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज ऑटोमेशन प्रोसेस के द्वारा चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर छात्र को ज़रूरत है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा आप उसको ये बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में छात्रों को दिक्कत आ रही है, किस क्षेत्र में छात्र अच्छा महसूस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें उनको थोड़ी कठिनाई हो रही है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें छात्र बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रेस्प कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स को छात्रों को सीधे की सीधे तौर पर आप उस ग्राफ को दर्शा करके बता सकते हैं कि आपके जो लिखने का तरीका है, आपका जो उत्तर देने का तरीका है, आपके डिफरेंट प्रेजेंटेशन के जो तरीके हैं उनमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मित्रों, जैसा मैंने आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अभी बताया, उसके जो विभिन्न प्रकार हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के, उसमें उसके पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर छात्र खुद और शिक्षा देने वाले जो भी विशेषज्ञ हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस हो गए। मास्टर कोर्सेज कौन कौन से हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है, आप उसको बता सकते हैं, उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। कंटेंट डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या होगा, कंटेंट डिलीवरी के सिस्टम्स क्या बेहतर से बेहतर शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में एक पूरा का पूरा डिस्कशन हो सकता है। इसके बाद
कोर्स कोलाबरेशन, जैसा कि आजकल आपने सुना होगा मेटा कोर्सेज के बारे में, या उदाहरण के तौर पर अगर किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसी संस्था है जो अपनी विशेषज्ञता रखती है, उनको कैसे यूज़ किया जाए, किसी और इंस्टीट्यूशंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, वह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है। असाइनमेंट एक बहुत बेहतर अच्छा तरीका है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस और एग्ज़ाम, जैसा मैंने उदाहरण के रूप में बताया, अगर आप चाहें तो उस फोरम पर डाल करके आप अपने पुतों आप अपने प्रश्न को लिखिए, उत्तर को लिखिए, और जानिए कि उस पर विभिन्न प्रकार के लोगों के व्यूज़ क्या आ रहे हैं। आप उसको एज ए डिस्कशन फोरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी जानकारी लोगों को पता होती है कि वो जाने कि आप सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस चीज़ों को जानने के लिए आप LMS सिस्टम को इस्तेमाल कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं यह जानना ज़रूरी है आपके लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आप इस सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यह काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबल है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कंटेंट को डेवलप करने में कोई कठिनाई आ रही है तो कहीं से भी आप सहायता ले सकते हैं। इस फोरम पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने प्रश्नों के द्वारा जो उत्तर देंगे उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, असाइनमेंट के तरीके भी ढूंढ सकते हैं, इवैल्यूएशन की मैकेनिज्म बना सकते हैं। साथ ही साथ जो सिस्टम इसमें अवेलेबल है, आप नए चीज़ का भी जनरेशन कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप किस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं और उसको अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को, कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, कोर्स को डेवलप कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, टेक्निक्स क्या अडॉप्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। ई लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इन सभी के द्वारा आप ई लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। आपको किसी एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, बहुत सारे ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ई लर्निंग का पूरा फ़ायदा शिक्षा जगत में उठा सकते हैं। ई लर्निंग के साथ साथ हमने आपको मोबाइल लर्निंग के बारे में भी बताया, और मोबाइल लर्निंग के लिए हमने आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताई कि आपको आपके अमूमन सभी लोगों के पास मोबाइल सिस्टम अवेलेबल है। मोबाइल सिस्टम में बेसिक कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, और उसके द्वारा आप कभी कभी तो आप सोशल साइट्स के थ्रू ही काफ़ी कुछ लर्निंग का कंसेप्ट इधर करते हैं। इतना नहीं, ट्रेनिंग का जो डिलीवरी सिस्टम है उसको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए मोबाइल लर्निंग का भी इस्तेमाल बहुतायत किया जाता है। जैसा बताया मैंने मित्रों, मोबाइल लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए किया जा सकता है, और यही एक कारण है कि इस समय मोबाइल का इस्तेमाल लगभग सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़ी दूसरी संस्थाएं इसलिए कर रही हैं कि मोबाइल से लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है, और यह डिवाइस ऐसी है जो कम से कम खर्चे में लोगों को कंटेंट को प्रोवाइड करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस कराने में जुड़ने से बहुत आसानी से हो सकता है। और प्रतिदिन इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट की डायरेक्शंस में काम होता जा रहा है। आप चाहें, आप किसी भी समय कुछ काम कर रहे हैं, आप तुरंत अपने मोबाइल के द्वारा उससे संबंधित चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित लेसन को जान कर सकते हैं, उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इजीली आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, और इसके द्वारा जब आपकी कनेक्टिविटी है तो स्वाभाविक रूप से आप विश्व के किसी कोने से आप आसानी से जुड़े हुए हैं। आजकल आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की सोशल साइट्स जिनके द्वारा लोग विश्व के कोने से आसानी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो आप बात भी कर सकते हैं, जो उसकी कॉस्ट भी लगभग ना के बराबर है। आप किसी भी प्रकार की टेक्स्ट को, वीडियो को और ऑडियो को आप आसानी से भेज सकते हैं,
और उसको अगर आप चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम कुछ और क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में जानें। अभी तक ध्यान को हमने विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेक्टर में, विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग और ई असेसमेंट के बारे में बताया। आइए हम मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं, जहां कंप्यूटर का बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर की जो एडवर्टाइजिंग होती है, विभिन्न प्रोफेशनल्स अपने बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के द्वारा, क्लिपिंग आर्ट्स के द्वारा आप चीज़ों को बना करके, डिस्प्ले करके मार्केटिंग की चीज़ें में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के थ्रू आजकल बहुत अच्छी से अच्छी पिक्चरों को आप ड्रा कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी उस ग्राफिक्स के द्वारा आप दे सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों का कंप्यूटर के द्वारा एडवर्टीजमेंट में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अगर बिना पैसे के एडवर्टीजमेंट करनी है तो सबसे अच्छा माध्यम कंप्यूटर ही होता है। आपने देखा, आप किसी भी अगर सोशल साइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी मार्केटिंग की बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस देती हैं, आप अपने चीज़ों को क्रिएट कीजिए, डिज़ाइन कीजिए और उस ग्राफिक्स के द्वारा आप वहाँ पर चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, अगर अपने होम शॉपिंग के लिए आप देखिए, कंप्यूटर का बहुतायत इस्तेमाल इस समय हो रहा है। आपको पता है कि इस समय सिर्फ भारत में अरबों डॉलर का कारोबार सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, या जिसको आप होम शॉपिंग का नाम भी दे सकते हैं, ऐसे हो रहे हैं। आप घर बैठे उन चीज़ों को बहुत आसानी से खरीद रहे हैं। पहले लोगों में थोड़ी सी दुविधा थी कि अगर घर से सामान खरीदेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लोग धीरे धीरे इस बारे में भी बहुत जागरूक हो गए हैं कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग या होम शॉपिंग करते हैं तो उसमें किसी दिक्कत का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उनकी शर्तें हैं, वह इतनी आसान है कि अगर किसी कारणवश आपके के घर पर जो डिलीवर किया गया सामान है वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप इमीडिएटली इसको वापस कर सकते हैं। ये कंपनियां पूरा का पूरा पैसा आपका रिटर्न कर देती हैं। यदि आप चाहें तो उसके बदले कोई दूसरा सामान भी खरीद सकते हैं। मित्रों, आप ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसियाँ हैं, ये सभी समय समय पर आपको बहुत सारी छूट और अलग अलग तरीके के प्रलोभन भी देते रहते हैं और लोग उन प्रलोभनों का बहुतायत फ़ायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी मोबाइल फ़ोन खरीदना है, अगर आप इस होम शॉपिंग के थ्रू खरीदते हैं और दुकानों पर जाकर खरीदते हैं तो कभी कभी होम शॉपिंग में आपको हज़ारों रुपये का फ़ायदा हो जाता है। और ऐसी जानकारी जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, वो कई साइट से चीज़ों को देख करके और अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी है कि ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सामान देखकर ही खरीद लीजिए। ये साइट्स आपको ऐसी सुविधाएं देती हैं कि उसके बारे में आप सारे रिव्यूज़ जान सकते हैं, लोगों के क्या विचार हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, किस किस उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, और कभी कभी तो आपको ये भी जानकारी मिलती है कि उसमें किस किस पार्ट्स की पूरी बहुतायत चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाओं के साथ जो होम शॉपिंग के कंसेप्ट आ रहे हैं, इससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यह होम शॉपिंग आप सीधे तौर पर अपने घर पर रखे कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं या अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो मित्रों, कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में भी है कि आप अपने घर बैठे सारी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं,
शॉपिंग भी कर सकते हैं और भी क्षेत्रों में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है और किसी भी तरीके से आप चीज़ों को क्रिएट करके आप उस सूचनाओं को निर्धारित वेबसाइट पर डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके अलावा कुछ ऐसी पेड साइट्स हैं, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए बहुत आसानी से आपकी ये सूचनाएँ विश्व के कोने कोने तक आसानी से पहुँच जाती हैं। शॉपिंग के लिए मैंने बताया, आज आम बात हो गई है, लोग मैक्सिमम घर की सारी शॉपिंग होम शॉपिंग के द्वारा भी आसानी से कर करके घर की बचत करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर हुई छूट का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको पता हो मित्रों, इस 15 अगस्त के अवसर पर लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सारे लुभावने जैसे ऑफ़र दिए, शर्तें दी आपको, और लोगों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब यह बात बाद में निर्भर करती है कि सामान और चीज़ें कैसी, अक्सर जो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा चीज़ें आती हैं उनमें ऐसी भी शर्तें होती हैं कि अगर सामान में किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक उस चीज़ों को वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, पूरा पैसा वापस ले सकते हैं या चाहें तो सामान को भी बदल सकते हैं। तो मित्रों, कंप्यूटर की सहायता से आप ये शॉपिंग, एडवर्टीजमेंट या डिफरेंट प्रकार के क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रेडिक्शंस को भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर चाहें तो आपने टेक्निक्स में कितना फ़ायदा उठाया, उसका क्या इम्पैक्ट आया आपके पूरे सिस्टम पर, उसकी एनालिसिस, उसके कैलकुलेशंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उस स्थिति की सही जानकारी ले सकते हैं। तो कंप्यूटर का बहुतायत उपयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे मैंने बताया ई लर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो मोबाइल लर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की बात हो, चाहे वो ई असेसमेंट की बात हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हो, चाहे किसी और तरीके से कंटेंट का प्रिपरेशन हो, चाहे आपको होम शॉपिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, हर जगह कंप्यूटर के बिना आप आसानी से चीज़ों को नहीं कर सकते। और जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस के फॉर्म में। जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सभी आपको आपके अकाउंट में मौजूद रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर से शॉपिंग करते हैं, तो आपने कितनी चीज़ का ट्रांजेक्शन किया, किस किस चीज़ के ऑर्डर भेजे, किस किस दिन भेजा, किस किस चीज़ की कितनी पेमेंट की, वो सारी सूचनाएं आपके ईमेल पर उपस्थित रहती हैं। जब भी चाहें आपको महीने में, दो महीने में, उन सूचनाओं के द्वारा आप संबंधित कंपनी से आप चाहें तो आप डिस्कशंस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की समस्या पर बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं आप, उससे संबंधित भी सारी सूचनाएं आपके पास एक डेटाबेस के फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। यानी अगर आप एक साल तक ये जानना चाहें कितने की आपने शॉपिंग की, आपका अपना अकाउंट भी ये शॉपिंग जो कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करती हैं सुविधाएं, वो आपका एक अकाउंट सा मेंटेन करती हैं जिसको इस्तेमाल करके आप चीज़ों को आसानी से कार्य कर सकते हैं। मार्केटिंग के अलावा एक हेल्थ केयर जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर का बहुत ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटर का रोल बहुत अच्छी तरीके से इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। आपको पता है हेल्थ केयर में सरकार के द्वारा ऐसी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिस्पेंसरीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिसिंस की सारी सूचनाएं अवेलेबल होती हैं। कंप्यूटर के द्वारा आपका ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड और डिफरेंट प्रकार के CT स्कैंस की सूचनाएं भी कंट्रोल की जाती हैं और ये सभी कंप्यूटर मशीन्स इसको आसानी से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तथा ये सारी सूचनाएं आपको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं।
आजकल आपने देखा होगा, अगर आप किसी अच्छी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तुरंत वो आपके बिल को लेके कंप्यूटर में उस बिल का नंबर या किसी भी मेडिसिन के कोड को डालते हैं, ऑटोमेटिकली वो मेडिसिन कहाँ अवेलेबल है, किस डेट से, किस तरीके से उसका एक्सपायरी है, सारी सूचनाएं आपको कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आपका इमीडिएटली बिल भी कंप्यूटर के थ्रू ही प्रिपेयर हो जाता है, उस पर उसके कोड नंबर्स भी पड़े होते हैं, सारी सूचनाएं उस पर संबंधित होती हैं। तो आपने देखा, उस ऑटोमेशन प्रोसेस से आपके मेडिसिन की दुकान की ही नहीं, आपको भी बहुतायत फ़ायदा होता है कि सारी की सारी सूचनाएं कंप्यूटर के द्वारा आप डाल सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, आपको पता है आजकल जितनी भी अच्छी लैबोरेटरीज हैं, जिस किसी भी पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में जाइए, आपकी सारी सूचनाएं एक बार वो कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी, किस समय रिपोर्ट बनी, कितनी तरीके से रिपोर्ट्स बनी, और हर सारी सूचनाएं जो आपके बारे में संबंधित एनालिसिस होके आ रही है, वो कंप्यूटर के द्वारा आपको सब सूचनाएं प्रदारित की जाती हैं। इतना ही नहीं मित्रों, आप जानते हैं कि आजकल लैबोरेटरीज ऐसी सुविधाएं भी दे रहे हैं, एक बार आप जाकर टेस्ट कराइए, आपके घर पर वो सारी रिपोर्ट्स या सारी सूचनाएं, सारी रिपोर्ट आपके ईमेल पर भेज दी जाएंगे, या आप अगर चाहें तो उस संबंधित ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाकर आप उन सभी सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मित्रों। आप जानते हैं, बड़ी सी बड़ी सीटी स्कैन की मशीनें या अल्ट्रासाउंड की मशीनें या एमआरआई की मशीनें, ये सभी कंप्यूटर के द्वारा अटैच्ड हैं, और इनकी सारी सूचनाओं को, हर सेकंड की सारी इन्फॉर्मेशंस को इनके द्वारा कलेक्ट कर करके आपको ग्राफिकल के फॉर्म में, किसी और डेटा के फॉर्म में प्रदारित किया जाता है। इतना ही नहीं, जो भी सूचनाएं आपके पास आती हैं, उस आधार पर आपकी क्या एनालिसिस होती है, वो भी आपको जानकारी दी जाती है। तो मित्रों, हेल्थ सेक्टर में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जैसा कि मैंने बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अवेलेबल हैं जो हेल्थ केयर में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज़ के शिकार हैं, या ऐसी कोई बीमारी है जो आपको लंबे समय से चली आ रही है, तो डॉक्टर्स के पास आपकी बीमारी से संबंधित सारी हिस्टोरिकल जानकारी आप उनके डेटाबेस में अवेलेबल होती है। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब कभी आप दोबारा डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने जाते हैं, तो वो आपकी सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, किस प्रकार की दवाओं का संचालन आपके ऊपर हो रहा है, किस तरीके की आपकी अभी तक की फिजिकल रिपोर्ट्स रही हैं, तो उनको नई चीज़ों को समझने के बारे में भी आसानी होती है। इतना ही नहीं मित्रों, आजकल कई बड़े बड़े अस्पतालों में आपके सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स अवेलेबल होती हैं। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप जाइए अस्पताल में, आपको किसी भी तरीके की सिर्फ एक कोड नंबर बताना है, उसके द्वारा आप वो सारी सूचनाएं एक्सेस करके बहुत आसानी से ट्रीटमेंट आप पा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत द्वारा कंप्यूटर का यूज़ करके ही बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज अपने सारे रिकॉर्ड को भी मेंटेन करती हैं। तो कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हेल्थ केयर के क्षेत्र में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मेजर फील्ड्स हैं जिसमें कंप्यूटर का बहुतायत इस्तेमाल होता है। डायग्नोस्टिक सिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर्स आपके डेटा को पूरा यूज़ करने के लिए, सारी जो इलनेस के कॉजेज़ हैं उसके फैक्टर्स को स्टोर करने के लिए आप उस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सही सही कंप्यूटर के थ्रू आप उस डायग्नोसिस के थ्रू एनालिसिस भी बना सकते हैं। लैब के जो डायग्नोस्टिक सिस्टम हैं, उन सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स को, जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर के द्वारा प्रिपेयर ही नहीं, उसके द्वारा आप कंपाइल कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी जाएगी, जिसको साधारण भाषा में ये कहा जाए कि आसानी से एक पेशेंट समझ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी तरीके से ग्लूकोज का लेवल टेस्ट किया, तो साथ में ये भी इंडिकेटर दिया होता है कि आम लोगों में ग्लूकोज का क्या लेवल होना चाहिए, या
आप उस प्रश्न को जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अभी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या उस एनालिसिस रिपोर्ट को आप समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कंप्यूटर के द्वारा काफ़ी कुछ सूचनाएं आपको उस रिपोर्ट में भी दी जा सकती है। मित्रों, हेल्थ केयर में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने बताया आपको, आजकल हॉस्पिटल्स में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, स्पेशली जो कार्डियक अटैक के लोग हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हो रहती, उनकी पल पल की सारी सूचनाएं आप कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स को कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करती है। ऐसे ही फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बना हुआ है, कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे चेक्स, ड्रग लेबल्स, एक्सपायरी डेट्स, हार्मफुल ड्रग्स, साइड इफ़ेक्ट्स, मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कंट्रोल की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। सर्जरी, जैसा आपको पता है, इस समय कंप्यूटर की सहायता से सर्जरी भी की जाती है। पूरी सर्जरी में कंप्यूटर हर तरीके से मॉनिटर करता है कि किस किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर्स कहाँ पर किस समय कंट्रोल में होना चाहिए, जो डॉक्टर्स को पूरी सर्जरी को करने में बहुतायत हेल्प करते हैं। मित्रों, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर का बहुतायत इस्तेमाल हो सकता है। आगे हम और भी जानकारी आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ हम डॉक्टर यूएस पांडे का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें आज फिर अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई, और इन बातों के ज़रिए हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित होता है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए निरंतर कि हम कंप्यूटर को और जानें और समझें और इसकी एप्लीकेशंस के माध्यम से अपनी रुचि, अपना अध्ययन और भी ज़्यादा बढ़ाएँ। आगे भी हम कुछ और नए विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर यूएस पांडे से अपने आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर।